सरकार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कई प्रयास कर रही है, लेकिन गरियाबंद जिला से 26 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम जैतपुरी की मिडिल स्कूल की स्थिति कुछ और ही बयां करती है। आइए मेरे साथ जानते हैं मिडिल स्कूल के इन बच्चों से कि वहाँ की स्थिति कैसी है। तुम्हारे स्कूल में केजन टीचर है? कौन सा पुस्तक ला पढ़े में तुम्हारे मतलब परेशानी है? संस्कृत विज्ञान। काबर परेशान? खैरा सर ज़्यादा नहीं आते, कर सकते एक को दिन नहीं आए। स्कूल नहीं आए? काबर नहीं है? ऑफिस में रहते हो? पता कहाँ का ऑफिस में रहते हैं? गरियाबंद। कौन सा ऑफिस में? नहीं पता। अभी कितना महीना से नहीं आए हैं? चार महीना, पाँच महीना। एक दिन में कितना पढ़ाते सर है? पाँच छः संस्कृत विज्ञान के। तो एक दिन में पाँच छः पार्ट पढ़ाते तो समझ में आते अच्छे से? नहीं। तो फिर कैसे करते? बोलो नहीं सर लगे समझ में नहीं आते करके। इस स्कूल में चार शिक्षक पदस्थ है, जिनमें से एक प्रधान पाठक है, जिसमें से दो शिक्षक ही इसको चला रहे हैं। एक शिक्षिका पिछले चार वर्ष से इस स्कूल में झांकने तक नहीं आई है और प्रधान पाठक हमेशा ऑफिस अटैच रहते हैं। ऐसी गंभीरजनक स्थिति में ना जाने शिक्षा की गुणवत्ता में कैसे सुधार आएगी। दुख की बात तो यह है कि स्वयं सरकार के कर्मचारी द्वारा ही शिक्षा अधिकार कानून का खुले आम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रधान पाठक द्वारा स्कूल में समय नहीं देने के कारण आज जैतपुरी मिडिल स्कूल को सी और डी ग्रेड मिला है। बाकी विषय तुम्हारे अच्छा से आते ही पढ़ ले तो अच्छा से नया सर आ ही तो फिर का हुई पढ़ाई। जितने भी लोग यह वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करती हूँ कि इस नंबर पर जिला शिक्षा अधिकारी को 07706241566 इस पर कॉल करें, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो बंद हो। मैं रीना रामटेके, ग्राम जैतपुरी, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़, इंडिया अनहट।